क्या बोला डॉक्टर, अपन को स्टोन है, किडनी स्टोन है। साला इसलिए दर्द हो रहा था। साला अपन दो दो बियर गटकता है डॉक्टर, दो दो फिर स्टोन कैसे हो गया काइकू है काइकू। अब अपन तीन गटकेगा, ये स्टोन को फ्लश आउट कर देगा। तेरी जरूरत नहीं है डॉक्टर, तेरी जरूरत नहीं है। अच्छा चलो चलो वहां बैठो तो जरा, और बाकी लोगों के साथ तुम भी सुनो। ठीक है, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, बियर गटक लोगे दो तीन, लेकिन थोड़ा सा सुनो भी तो भाई, है ना? ठीक है बिड़ू सुनो। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने एक पोल किया था कम्युनिटी टैब में, और आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर लिखे। एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने गूगल से लेके पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट भी कर दिया। बियर, चाय, कॉफ़ी, टी और इस किडनी स्टोन्स को निकालने की क्या विधि हो सकती है, इस पर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे मिथक हैं उनको तोड़ूंगा, साइंटिफिक सच क्या है वो बताऊंगा। देखिए बियर जो है वो किडनी, जब एक किडनी सपोज ये किडनी है, यहाँ पर स्टोन है बारीक सा, खासकर 5 mm से लेकर 7 mm के यदि स्टोन है, 7 mm से नीचे के स्टोन है, तो क्योंकि किडनी पानी को फिल्टर करती है, हमारे जो भी हम पीते हैं खाते हैं तो उसको फिल्टर करती है, उसमें से है ना जो वेस्ट है उनको फिल्टर करने के दौरान में पानी के टच में ये स्टोन लगातार आता जाएगा, तो वो प्रेशर से ये स्टोन खिसक सकता है यदि आप ज़्यादा पानी पिए। तो सबसे मेन दवा जो किडनी स्टोन्स को ठीक करने के लिए है वो है ज़्यादा पानी, लगभग 3 लीटर रोज, 3 से 4 लीटर रोज तक पी सकते हैं किडनी स्टोन है यदि, तो उससे छोटे स्टोन्स निकल जाएंगे, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कई बार, और कई बार हल्का फुल्का पेन के साथ आएंगे छोटे स्टोन्स। ठीक है, अब आती है बात बियर की। तो बियर क्योंकि अपने आप में एक पानी से बना हुआ है ना, लिक्विड तो है ही, तो यस बैक वो जो प्रेशर है पानी से जनरेटेड प्रेशर वो क्रिएट करेगा, यदि आप 1 लीटर की बॉटल पी रहे हो तो एक तो पानी का इफेक्ट, दूसरा बियर डायरेटिक है, डायरेटिक का अर्थ होता है जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो यूरिन प्रोडक्शन मतलब कि फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है, यूरिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उससे भी किडनी स्टोन्स को धक्का लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, तो एक तरह से देखें तो छोटे स्टोन्स एक्यूट स्टेजेस में बियर हेल्प कर सकती है स्पेल आउट करने में, लेकिन यदि आप रोजाना बियर पियेंगे 1 लीटर 2 लीटर, तो उससे होगा ये कि उसमें बियर में ऑक्सलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सलेट्स जो होते हैं वो किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन करने के लिए जिम्मेदार होने लगेंगे, मतलब कि किडनी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो स्टोन्स होते हैं वो ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, दूसरे नंबर पर फॉस्फेट स्टोन होते हैं। दूसरा वो जो डायरेटिक इफेक्ट जो स्टोन्स को स्पेल आउट करने में मदद कर रहा था, जो उसको ढकेल रहा था, वो वही डायरेटिक इफेक्ट भी डिहाइड्रेशन क्रिएट करवाएगा बॉडी में। ठीक है, जो तुम तो इतना पीते हो तो तुम्हें पता होगा जब बियर पीते हो तो उससे प्यास और लगती है, ठीक है, डिहाइड्रेशन की वजह से, तो जो डिहाइड्रेशन होगा उसकी वजह से प्रिसिपिटेट होंगे जो खनिज लवण है, जो ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये प्रिसिपिटेट होगा डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी में, और स्टोन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो बियर का है वो स्टोन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ना कि स्टोन को घटाता है। ठीक है, लेकिन एक्यूट स्टेजेस में कुछ मददगार हो सकता है यदि आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ले रहे हैं और रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन के मरीज नहीं हैं आप तो, लेकिन यदि रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन के या क्रॉनिक के मरीज हैं तो बियर आपको नुकसान करेगा। किडनी स्टोन्स को लेकर एक और मिथक है भाई साहब, वो है मिल्क, दूध पीने से किडनी स्टोन्स बढ़ जाते हैं, ये भी गलत है। विटामिन डी बेहद ज़रूरी है, लोग सोचते हैं कि विटामिन डी बिल्कुल भी ना लें या बहुत कम कर दें, विटामिन डी लेना ज़रूरी है, यदि विटामिन डी की ब्लड में कमी होगी तो किडनी स्टोन फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो इसलिए यदि आप मिल्क लेते हैं मॉडरेट अमाउंट में तो लेते रहिए, नो प्रॉब्लम्स। कुछ खाने की चीज़ें हैं जैसे टमाटर है, ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, उड़द की दाल है, काजू है, इनको, पालक है, इनको खाने से, या बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट यदि लेते हैं रोज़ाना, कोई चिकन एग रोज ले रहा है, प्रोटीन पाउडर लेते हैं जिम जाने वाले लड़के, तो वो वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन की संभावना उन केसेस में थोड़ा बढ़ जाती है। बट आमतौर पर मैं बोलूँगा खाने में कोई खास रेस्ट्रिक्शन ना करें, यदि स्टोन है तो खूब सारा पानी पिए, दैट वुड बी इनफ। कोई दवा क्या बन सकती है स्टोन को घोलने के लिए,
तो जहाँ तक मॉडर्न मेडिसिन या जैसे एलोपैथ कहते हैं, ऐसा कोई भी दवा नहीं है, ना ही कोई ऐसी दवा है। उसका लॉजिक ये है कि कोई दवा यदि स्टमक में हम लेते हैं तो वो स्टमक से होते हुए किडनी में जाएगी और फिर किडनी में एक छोटे से हिस्से जिसको जहाँ पर स्टोन है उसको ढूंढ के सिर्फ और सिर्फ स्टोन को डिजोल्व करे और बाकी किसी भी टिश्यू को डिजोल्व ना करे। ऐसा साइंटिफिकली शायद संभव नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ यदि किसी को लगता है कि फ़ायदा है तो उस पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक है मैं आपको बता दूँ कि बेस्ट ड्रग यदि किडनी स्टोन्स को, छोटे स्टोन्स को स्पेल आउट करने की है, एक्सपेल आउट करने की है, तो वो है पानी। वो बेस्ट दवा है, ज़्यादा पानी पीना। और जहाँ बड़े स्टोन्स हों वहाँ पर यूज कई बार कुछ नहीं करना होता है, लेकिन यदि वो यूरेटर में फंस रहे हों तो वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। यदि बड़े हैं, खासकर 7 mm के ऊपर, 8 mm के ऊपर, उन स्थितियों में कई बार यूरेट्रोस्कोपिकली उसको निकालना पड़ता है। तो बिड़ू, तुम सही भी हो और थोड़े से गलत भी।